हेलो फ्रेंड, रीता फूड की इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं पान आइसक्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैंने यहाँ पे 250 ml क्रीम ली है, जो मैंने घर पर ही बनाई है। आप इसकी रेसिपी मेरे ऊपर जाके आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 5 पान के पत्ते लिए हैं, 2 बड़े चम्मच गुलकंद, 2 चम्मच दूध, कटे हुए बारीक काजू, पिस्ता, 1 चम्मच सौंफ और 1 पिंच कलर, इलायची पाउडर आधा चम्मच, कंडेंस मिल्क आधा कप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम पान के पत्ते ले लेंगे और इस इनको हम अच्छे से ऐसे काट लेंगे। तो हमने सबको कट कर लिया है और अब हम मिक्सी का जार लेंगे और उसमें सभी पान के पत्ते डाल लेंगे और इलायची पाउडर ऐड करेंगे, सौंफ और गुलकंद, और इसमें हम दूध डाल लेंगे। और अगर आपको थोड़ा कम लगे दूध और आपका ये पेस्ट नहीं पिस रहा है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, 1-2 चम्मच। तो अब हम इसको पीस लेंगे। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए इसका फाइन पेस्ट बन चुका है। हमने यहाँ पे क्रीम ले ली है, अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर लेंगे और इसको हम हेड ब्लेंडर की सहायता से व्हिप करेंगे। तो देखिए हमारा ये टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो चुका है और हमने ब्लेंडर 3 मिनट तक चलाया है। अब हम इसमें जो पान का हमने पेस्ट तैयार किया था वो ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। कलर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है, नहीं है तो आप ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए हमारी आइसक्रीम का कितना अच्छा कलर आया है। और इसमें हम अब ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आइसक्रीम मोल्ड लेंगे और अपने मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो आप ऐसे किसी बर्तन में भी जमा सकते हैं। तो देखिए हमारे मोल्ड तैयार हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर इसे ढक्कन लगा लेंगे और सभी को हम बंद कर देंगे। और अगर आपके पास इस तरीके की आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीके की ग्लास ले सकते हैं कांच के और उसमें अपना पेस्ट डाल देंगे। और इसके ऊपर हम जो फूड रैप के लिए पॉलिथीन आती है उसको हम कवर कर देंगे। इससे इसके अंदर हम ये एडजस्ट कर देंगे और इसको भी हम ऐसे तैयार कर लेंगे।
और इसके अंदर भी हम कोई डाल सकते हैं। तो हमारी आइसक्रीम फ्रिज में जाने के लिए तैयार है, तो अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो देखिए हमारी आइसक्रीम पूरी अच्छे से जम चुकी है। मैंने इसको फ्रीजर में 7 से 8 घंटे रखा और अब हम थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे और इसमें इसको डिप कर लेंगे जिससे हल्की सी मेल्ट हो जाए। और ये देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए हमारी आइसक्रीम रेडी है सर्व करने के लिए। तो ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।